प्रणाम हमारे व्यूअर्स, आज हमारे साथ है सतीश सर, टीएमएम कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी से। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सतीश सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपने बड़ा इनोवेटिव सोचा है फेरो सीमेंट हाउस। हाँ सर। सर, ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया तो सर देखिए, ये बहुत पुराना है। अच्छा। ऐसा नहीं कि नया है, लेकिन हमारे जो एरिया है बिहार में, यहाँ पे लोगों के पास ये आइडिया नहीं था। एक्चुअली होता क्या है कि जो हम लोग रेड ब्रिक यूज करते हैं, वो एक मिट्टी का कटाव होगा। मिट्टी के कटाव से हमारा जो जमीन है उपजाऊ, उसको बंजर होता है। उसके बाद जो हम लोग अगर ईंटा से उसको पका देते हैं, अगर हम घर को गिराते हैं, उस ईंटा को हम लोग कहीं भी फेंकते हैं, उस जमीन को भी वो बंजर कर देगा, क्योंकि जहाँ पे लाल ईंट जाएगा वहाँ पे बंजर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, जो ये क्या कहते हैं कि जो गिट्टी हो गया, जिसको हम लोग छड़ी बोलते हैं, ये पहाड़ को काट कर निकालते हैं। अगर इसको हम लोग पहाड़ को काटते हैं तो वहाँ पे डस्ट होता है। फिर उसके बाद वो पहाड़ी को बर्बाद हो, वहाँ पे जो ग्रीनरी है, पेड़ वगैरह होना है, वो सब बंद हो जाता है। और जो भी एक होता है कि हम लोग जो घर बनाते हैं, एक्चुअली जो उसके घर बनाएंगे तो काफी वो मोटा होता है, जिससे वजन जो है बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ये क्या है कि बहुत ही पतला होता है। फेरो सीमेंट में क्या टेक्नोलॉजी यूज है जो मतलब इतना आप लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं? देखिए, इसलिए सबसे बड़ा चीज है कि ये कितना भी अगर अर्थक्वेक है, ये सेफ है। आप ये जानना चाहेंगे सेफ क्यों है? सेफ इस तरह से है क्योंकि ऊपर से जो भी स्ट्रक्चर बना है, पहले हम लोग वेल्डेड वायर मेस यूज करते हैं, या तो उस जगह पे हम लोग रड यूज करके चिकन वायर मेस यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि पूरा बिल्डिंग एक रड से बंद हो गया। ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा भी अगर भूकंप आता है तो ये क्रैक हो सकता है, लेकिन वो बिल्डिंग गिरेगा नहीं, झरेगा, दो टुकड़ा में नहीं होगा। अगर एक ईंट का टुकड़ा अगर ऊपर से गिरता है, जो शरीर होगा उसको डैमेज करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि ज्यादा छोटा छोटा टुकड़ा गिरेगा, ये आपको नुकसानदायक नहीं है। फेरो सीमेंट हाउस का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको अर्थक्वेक में प्रोटेक्ट करता है। जो नॉर्मल हाउस होता है अर्थक्वेक में आने से, उसमें के पत्थर टूट जाते हैं, कंक्रीट टूट के गिरने लगती है, ब्रिक्स टूट के गिरने लगती है, जिससे चोट लगती है, इवन जान माल का नुकसान भी होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ आपको अर्थक्वेक में सेफ रखे। और इसका बेनिफिट क्या है? जी जी। कि आप यहाँ पे घर बना लिए, हो सकता है 20 साल 25 साल के बाद आपका रिक्वायरमेंट कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस एज में आप अलग सोच रहे हैं, आपके दो बच्चे हैं, रह जाएंगे, लेकिन जब बच्चे बड़े होंगे तो आपका सोच अलग होगा, उनके शादी ब्याह होगा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो आसानी से इसको आप नट बोल्ट खोल के आप इसका लुक चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, डैमेज नहीं होगा, सिर्फ आपको लेबर कॉस्ट और मिस्त्री वगैरह लगेगा। देखिए, सर ने बहुत ही अच्छा बात करा कि फेरो सीमेंट्स का सबसे बढ़िया फायदेमंद चीज ये है कि अगर फैमिली बढ़ते जाती है, कल दिन आप अपने बाल बच्चों की शादी करेंगे तो भाई दो घर से चार घर होनी चाहिए, तो इसमें सबसे बढ़िया चीज है कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और एक दूसरे से दूसरे जगह भी। जैसे आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे पले रह रहे हैं, अब चाहते हैं कि इस शहर से हम दूसरे शहर में जाके शिफ्ट करें, इस घर को वहाँ पे भी आप जाके शिफ्ट कर सकते हैं आसानी से। देखिए क्या बात है, इसमें आपको परेशानी नहीं होगा, मतलब आप अपने सामान के साथ अपने घर को भी ले जा सकते हैं वहाँ। अगर जमीन वहाँ पे खरीद ली तो घर बनाने का कोई टेंशन नहीं है। तो आप नट बोल्ट को खोलिए, ट्रक पे रखिए और वहाँ जाके हाउस कंस्ट्रक्ट कीजिए विद इन 2 डेज। एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले यहाँ पे थाना था अमझोर, वहाँ पे हम लोगों ने 2 शौचालय बनाया। जी जी। वो थाना को शिफ्ट किया गया कहीं और पे। जी जी। तो हम लोग एसपी साहब का ऑर्डर हुआ कि क्या शौचालय हट सकता है? पूरी की पूरी थाने वाली बिल्डिंग को वहाँ डैमेज किया गया, लेकिन हमारा जो शौचालय था उसको उठाकर हम लोग आकर सीआरपीएफ कैंप में शिफ्ट कर दिया, मतलब शौचालय शिफ्ट हो गया दूसरी जगह। फायदे अनेक है फेरो सीमेंट हाउस के, तो आने वाले समय में इसका बहुत जोरों शोर से उपयोग हो रहा है और बहुत सारी साइटें चल रही है। सतीश सर से जानेंगे कि कहां कहां साइटें चल रही हैं सर। एक्चुअली अभी देखिए, हमारे एक विक्रमगंज के पास एक कुआत बाजार है। जी जी जी। वहां पे बहुत ही गरीब तबके के लोग, एक जो छोटे मोटे झोपड़ी में रहते थे, जी जी। वो अपने घर में खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। जी जी। उन लोगों के लिए हम लोग ने वहीं पे करीब 48 यूनिट का घर बना रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, 48 घर बना रहे हैं हम लोग को। हाँ। और बहुत ही सस्ते दाम पे। अच्छा। और उन लोग के लिए बहुत ही आसान है और वो बहुत ही खुश हैं, उनका घर बन चुका है। जी, आप चाहे तो जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो जैसा कि अगर आप डेमो देखना चाहेंगे तो विक्रमगंज के पास क्वाथ है, ये आपको बिहार में आता है रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और भी काम चल रहा है, सतीश सर से जानेंगे कि और अदर स्टेट्स में कहाँ कहाँ हो रहा है, ताकि ऑल ओवर इंडिया से लोग इसको परचेज करें और आप लोग एक मिसाल। एक्चुअली देखिए, अभी क्या हुआ कि जो शराबबंदी हुई थी, जी जी सर, तो हम लोगों ने नेपाल बॉर्डर पे जो उधर से इधर आना था, जो मतलब नेपाल से जो शराब आने का डर था, जी जी, वहाँ पे हम लोगों ने पूरे मधुबनी में या चंपारण में चेक पोस्ट बनाए हैं। जी जी। सिर्फ 3 दिन के अंदर हमने 10x10 का रूम गार्ड के लिए
प्लस में टॉयलेट बाथरूम बनाकर हम लोग वहाँ से पेंटिंग के साथ हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं। सर का कहना है कि 3 दिन में इन्होंने गार्ड का रूम, लैट्रिन बाथरूम और एक हाउस क्रिएट कर दी। नॉट पॉसिबल कि आप नॉर्मल जो घर बनाते हैं वो साल भर के अंदर तैयार कर लें सर, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आप तो यहाँ कह रहे हैं कि 3 दिन में तैयार कर दिया। एक्चुअली कैमूर पहाड़ी जो हमारा है, सीएम का प्रोग्राम था, वहाँ पे नीचे से कोई भी कॉन्ट्रेक्टर वहाँ जाना नहीं चाहता है। वहाँ पे मतलब मेटेरियल ले जाना बहुत मुश्किल था। जी जी सर। हमारे ढिलो साहब आए हुए थे एसपी, वहाँ उन्होंने 30x10 का रूम हमसे बनवाया है। जी जी। उनको हम सिर्फ 6 दिन के अंदर, 6 दिन के से ही कम में मेटेरियल ले जाना और बनाने में 6 दिन लग गया। सारा कम्प्लीट करके 30x10 का रूम आ गए, प्लस में उनको बरामदा भी दे दिए। आज भी आप जाकर रेहल गांव है वहाँ देख सकते हैं। जो भी लोग हिल टॉप पे रहते हैं और उनको घर बनाने में काफी तकलीफें आती हैं, भारी भारी ब्रिक्स ले जाना पड़ता है और कंक्रीट वगैरह ले जाना पड़ता है और ये काफ़ी हल्का होता है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में एक रोहतासगढ़ किला है, बहुत ही विख्यात है और बहुत ही नाम है उस किले का। और वहाँ पे एक रिहल गांव है जहाँ पे सतीश सर और उनके टीम्स ने फेरो सीमेंट हाउस क्रिएट किया है और विद इन 10 डेज में 50 हाउस क्रिएट किया है। और जो हम कॉन्क्रीट से, ब्रिक से जो घर तैयार करते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं होता है। ये आप 10 दिन तो छोड़िए सर, 1 साल लग जाती है बनाने में और वो साल भर में भी कंप्लीट हो जाए तो बहुत है। सर इसमें मटेरियल्स क्या क्या यूज होता है? इसमें मटेरियल में क्या होता है कि 6 mm का हम लोग छड़ लेते हैं। जी जी। उसको सर वेल्डिंग करके एक फ्रेम तैयार करते हैं। जी जी। फ्रेम को हम लोग चिकन वायर में से दोनों तरफ से बॉन्ड करते हैं, पूरा बांध देंगे। उसके बाद क्या होता है कि 2:1 रेशियो से दो बालू हो गया, 1 सीमेंट, हम लोग उसको मोल्ड में डालकर और वाइब्रेटर टेबल से वाइब्रेट करके इसको हम लोग बना देते हैं और इसको क्यूरिंग करते हैं हम लोग लगभग 21 से 22 दिन। उसके बाद जब हमारा पैनल तैयार होता है तो हमारे पास बहुत सारे साइज में पैनल होते हैं। जी जी। उसी पैनल को हम लोग आपस में नट बोल्ट करके जोड़ते हुए जो साइज का हमको घर चाहिए उसी हिसाब से तैयार कर देते हैं। एक्चुअली हम लोग नीचे से एक पेडेस्टल से तैयार करते हैं। आप देखेंगे कि पेडेस्टल से बनाते बनाते ऊपर तक हम लोग चले जाते हैं। सर एक टर्म आपने यूज किया क्यूरिंग, सर ये क्यूरिंग टर्म क्या है? मैं तो कभी देखा नहीं हूँ इस चीज। क्यूरिंग एक्चुअली सीमेंटेड जो भी सीमेंट का बना है उसको क्यूरिंग करना ही है पानी में। इसलिए पानी में जो डुबो के रखा, ऐसा नहीं है कि आपको फेरो सीमेंट का जो ब्लॉक्स है ऐसे ही दे दिया जाएगा, उसको प्रॉपर वे में ट्रीट किया जाता है। और सर के साथ अपन जब घूम रहे थे तो इनके कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सारी लेडीजें काम करती हैं और इनके साथ सहयोगी हैं। विकास सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज हम महिला मंडल उद्योग में आए हुए हैं तिलौथू, इसका पूरा नाम है TMM निर्मिति केंद्र इंद्रपुरी। तिलौथू महिला मंडल निर्मिति केंद्र इंद्रपुरी ये महिला मंडल का शाखा है, हमारा ये ब्रांच है बिल्डिंग सेंटर, जो कि यहाँ पे लो कॉस्ट इफेक्टिव वर्क होता है यहाँ पे। जी जी। वैसे अभी मेन फोकस हम लोग फेरो सीमेंट टेक्नोलॉजी पे हम लोग ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। जी जी। यहाँ पे शौचालय वगैरह का निर्माण किया जाता है। जी जी। जो कि कम खर्च में और जितना जल्दी हो सके ये फिटिंग में हमारा शौचालय तैयार होता है। ये यहाँ पे मुख्यतः महिलाएं काम करती हैं और महिलाएं सशक्तिकरण का एक पहचान है ये। और यहाँ पे हम लोग फेरो सीमेंट, मतलब फेरो सीमेंट एक उद्योग है जिसमें कि सारी ढांचाएं पहले से बनाई जाती हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं। ये 6 घंटे में इंस्टॉल्ड हो जाती है और रेडी टू यूज हो जाती है। ये आप देख रही है सुपर स्ट्रक्चर है और ये हमारा सेप्टिक टैंक है। ये जो भी मतलब जो भी इसमें फिटिंग वगैरह है तो 12 कंपोनेंट होते हैं। जी सर। और ये सुपर स्ट्रक्चर ये हमारा टंकी है, तो टंकी जो हमारा ये नीचे चला जाता है जी। ये सुपर स्ट्रक्चर इसके ऊपर में फिटिंग हो जाता है। जी सर। और उसके बाद में जो थोड़ा बहुत रिपेयर वगैरह का काम इसमें चलता है और नट बोल्ट पे हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। लाइफ इसका लॉन्ग लाइफ है, जैसे हमारा मेंटेनेंस कोई भी बिल्डिंग हुआ चाहे घर हुआ वो मेंटेनेंस के ऊपर में डिपेंड करता है। तो ये हमारा जो है 3 टाइम्स अगर हम 15 साल तक यूज करें जी जी, उसके बाद ही ये भरेगा, फिर उसके बाद आप इसको खाली करा सकते। सर हम जैसा कि देख पा रहे हैं वहाँ तो आपने लैट्रिन की फिटिंग दिखाई थी, ये बाथरूम फिटिंग आई थिंक। हाँ। ये भी फेरो सीमेंट से तैयार है सर? देखिए एक्चुअली फेरो सीमेंट जो है, फेरो सीमेंट से हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ शौचालय पे ही फोकस करते हैं। जी जी। फेरो सीमेंट टेक्नोलॉजी मतलब ये है कि आप
कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह जो है उसको आकार में हम लोग बदल सकते हैं। जैसे हमारा फेरो सीमेंट का आप देख रहे होंगे कि ये कॉमन बाथरूम हुआ है, जैसा चाहे वैसा बाथरूम बना सकते हैं। वो एक बेसिक हमारा तैयार हो गया कि एक कंपोनेंट जो हमारा 12 कंपोनेंट लगता है वो जैसा कॉस्ट है मतलब उस कॉस्ट के हिसाब से हम अपना वो फेरो सीमेंट हमारा शौचालय तैयार है। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि उस और भी हम ज़्यादा बाथरूम बड़ा करें या फिर अपने हिसाब से हम तैयार करें तो वो भी हो सकता है। अच्छा सर, हम लोगों ने देखा कि बाथरूम्स तो अपन ने देख लिया, ये सर शेड्स भी लग रहा है फेरो सीमेंट से ही बना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, शेड भी बना हुआ है और शेड के हिसाब से हम लोग अब जैसे आप देख रहे होंगे कि ये पैनल जो है 3 मीटर का भी पैनल बनाते हैं, 3 मीटर बाई 1 मीटर का भी पैनल बनता है, मतलब 10 फीट बाई 3 फीट का पैनल हम लोग बनाते हैं। ये बड़ा साइज हुआ, छोटा साइज में अलग अलग कंपोनेंट बनता है, सबका अलग अलग साइज है, तो हम लोग उस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि कहाँ कौन सा पैनल फिटिंग हो, तो उस हिसाब से हम लोग जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। सर और देख रहे हैं विकास सर, ये क्या है? ये देखिए, ये भी हाउस है, ये भी फेरो सीमेंट टेक्नोलॉजी से ही बना हुआ है। अच्छा, ये भी फेरो सीमेंट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, मतलब इसको भी आप नट बोल्ट पे ही कसे हुए हैं? जी, नट बोल्ट पे ही कसा हुआ है, लेकिन अभी इसमें आपको नट बोल्ट दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये सारा जो है ये इसका थोड़ा सा डिजाइनिंग अलग किया हुआ है। जी 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 जी। तो ये सारा चीज है, अंदर और बाहर आप दोनों तरफ से आपको सीमेंटेड प्लास्टर दिखेगा। सर ये यूनिक हाउस लग रहा है मुझे, बहुत आकर्षित कर रहा है। बिल्कुल, थोड़ा सा हमें बताइए अंदर से कि क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फेरो हाउस है और इतना अच्छा कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये आपको ये बिल्डिंग जो है ओवल हाउस, जैसे इसको ये अंडाकार हाउस के तरह आपको दिखेगा। जी जी। जैसे आप अंडे का आकार होता है उसी आकार में ये बिल्डिंग को तैयार किया हुआ है। इसका भी डिजाइन जो है हमारे जैन सर जो हैं आपको जैसा कि बताया उन्होंने ही डिजाइन तैयार किया, और इसको इसमें मेन फोकस जो है इस बिल्डिंग को तैयार कराने में सतीश जी का मेन रोल है। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि जो भी खिड़की वगैरह जो है वो सब अंडे आकार में ही आपका खिड़की का शेप दिखेगा, दरवाजे भी उसी। हाँ अच्छा सर, ये देख पा रहा हूँ मैं, डबल स्टोरी है क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये डबल स्टोरेज है और ये आप देखे हुए कि यहाँ पे यहाँ से सीढ़ी है। ऊपर चले क्या सर? हाँ ऊपर चल सकते हैं, पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं इसमें अपन रात को सोएंगे तो पूरा आकाश दिखेगा हमें। अभी इसको ऊपर से ढका गया है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है पेंटिंग का, इसलिए ऊपर से ढक दिया गया है। तो सोएंगे और आप तारे को देख पाएंगे और काफी अच्छी नींद आएगी। ये देखिए चारों तरफ से ओवल से खिड़कियां दी हुई है जो कि काफी हवादार है। तो विकास सर ने बताया था मुझे कि अभी मैं फेरो हाउस दिखाऊंगा, तो ये रहा फेरो सीमेंट से बना हुआ हाउस। ये रेडी टू यूज हाउस है, मतलब पैनल्स के ऊपर इस हाउस को कस देंगे। देखिए आप जैसे देख रहे होंगे कि ये सारा जो पैनल्स है सब एक दूसरे के ऊपर में रख के उसको नट बोल्ट से टाइट किया हुआ है, कसा हुआ है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो प्लेन पोर्शन है वो हमारा फ्रंट में रहता है। हाँ, प्लेन पोर्शन फ्रंट में रहता है तो हम लोग ये सीमेंट से इसको ज्वाइंट कर देते हैं ताकि वो पता ना चले। बाकी अगर हम अंदर आते हैं तो ये देखिए फेरो सीमेंट से बने हुए हाउस के अंदर आ गए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से पैनल्स कसे हुए हैं। हम आपको जूम करके बता रहे हैं, ये देखिए नट्स बोल्ट्स के ऊपर कसे हुए हैं। देखिए सर, यहाँ पे जो भी कारपेंटर का काम हुआ, वेल्डर का काम हुआ, सारा सारा चीज हमारे पास प्रोवाइड है, सब कुछ हमारे पास होता है। जो भी गेट ग्रिल वगैरह है सब कुछ हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये आप देख रहे होंगे कि ये आपका जो पैनल्स है ये ट्रेनुमा है, ट्रे आप देखते हैं तो ट्रे आपका चारों तरफ से रिब निकला हुआ रहता है, तो ये हम उसको रिब बोलेंगे। ये रिब ऊपर में ही एक दूसरे को रख के ये नट बोल्ट जो है टाइट किया हुआ है। हम लोग एक फिल्म में देखे थे तो हमारे जैन सर हैं फेरो सीमेंट कंपोनेंट के जो भी कहें तो इसका एक तरह से मान के चले कुछ जन्मदाता है जो हमारा जैन सर हैं, एके जैन जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। तो ये फेरो सीमेंट के लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट वो जो है करवाते रहते हैं। तो हम लोग का जो भी अभी काम चल रहा है चाहे जो भी हम लोग करते हैं, तो बाकी तो अभी हमारे बॉस जो है सुप्रियर बॉस श्री रंजीत सिन्हा जी, तो उनके संदर्भ में काम यहाँ पे हो रहा है वो हम लोग को लीड करते हुए बताते हैं कि कैसे यहाँ पे ही होता है। तो जैन सर जो है ड्राइंग भेजते हैं, कोई भी नया चीज़ हो जैसे बड़ा बड़ा जो वाटर टैंक हुआ जो कि वो सबका डिजाइन वगैरह जो है वो सब जैन सर अपना यहाँ पे भेजते हैं और हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे अपने से जो भी काम करना है तो यहाँ पर सतीश जो है आपको हम जैसे बताएं कि जो भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो फेरो सीमेंट के वो सब लीड करते हैं सतीश। मैं
थम्स अप करता हूँ कि इससे बेस्ट हाउस नहीं मिलेगा आपको। थैंक यू। तो सतीश सर आपसे मिलकर अच्छा लगा, प्रणाम, धन्यवाद।